गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं और अंजना, और आज आपके साथ शेयर करूंगी मीशो। और मीशो से मैंने कुछ ट्यूनिक परचेज किए, जिसे आप शॉर्ट कुर्ती भी बोल सकते हैं, अंडर 500 के रेंज में। बहुत ही अच्छे लगे मुझे। कुछ कॉटन है, कुछ रेयन, विस्कोस रेयन मटेरियल है। तो फर्स्ट जो मैंने परचेस किया है, मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस टाइप का ये। इसे मैंने 458 रुपीज़ में परचेस किया, कुछ इस टाइप का है। और इसमें मेरी साइज एम है। ये पीच और पिंक कलर कॉम्बिनेशन में एम्ब्रॉयडरी की डिटेलिंग यहाँ दी गई है, आप सामने में देख सकते हैं। और स्लीव्स कुछ इस टाइप की फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी की डिटेलिंग यहाँ पर एंड्स में दी गई है। कुछ 3-4 स्लीव्स आपको मिल जाएगी, राउंड नेक मिल जाएगा, उसमें डोरी भी मिल जाएगी टाइप करने के लिए। तो एम्ब्रॉयडरी की डिटेलिंग कुछ इस टाइप की, और नीचे से कुछ इस टाइप का पैटर्न है, आप देख सकते हैं। और बैक साइड से एकदम प्लेन है। तो इसका मटेरियल है विस्कोस रेयन, मुझे काफी अच्छा लगा। रिव्यू में काफी अच्छे व्यू नहीं थे, तो फिर भी मैंने एक बार इसे मंगा के ट्राई किया, तो मुझे अच्छा लगा। घर में पहनने के लिए, डेली वेयर के लिए बहुत ही अच्छा पीस। अब बाहर भी जीन्स के साथ, लेगिंग्स के, जैगिंग्स के साथ इसे पेयर अप करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो डेफिनेटली ट्राई करिएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप रिटर्न भी कर सकते हैं, 7 डेज की रिटर्न पॉलिसी अवेलेबल है मीशो पे। तो ये बहुत ही अच्छा लगा। इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो मैंने परचेस किया है, नेक्स्ट मैंने ये टॉप कम ट्यूनिक परचेस किया है, और इसे 300 समथिंग रुपीस में मैंने परचेस किया है। इसमें आप देख सकते हैं इस टाइप की डिटेलिंग है पॉम्पम की, और वी नेक मिल जाएगा, कॉटन का मटेरियल है, इसमें प्रिंटेड वर्क मिल जाएगा इस टाइप से, शॉर्ट स्लीव्स दी गई है। तो नीचे से पेपलम डिटेल दिया गया है, पेपलम स्टाइल में है ये। नीचे से भी इस टाइप का पॉम्पम डिटेलिंग दी गया है, आप देख सकते हैं इस टाइप का, नीचे से एंड्स में दी गई है। तो ये भी काफी अच्छा लगा। इसमें इस टाइप की डोरी मिल जाएगी, जिसे आप टाई अप कर सकते हैं। वेस्ट बेल्ट मिल जाएगी, जिसमें जिसको आप टाई अप कर सकते हैं वेस्ट एरिया पे। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसका भी मटेरियल बहुत ही अच्छा है। इसे अभी आप जीन्स के साथ पेयर अप करेंगे, जैगिंग्स के साथ पेयर अप करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, तो डेफिनेटली ट्राई करेगा। इसमें मेरी साइज एम है, और जो मैंने फर्स्ट में दिखाई उसमें भी मेरी साइज एम है। तो नेक्स्ट मैंने ये कुर्ती, ब्लैक कुर्ती परचेस किया है, जिसमें गोल्डन और पिंक प्रिंटेड वर्क किया गया, कुछ इस टाइप का दिखता है ये, आप देख सकते हैं। और ये इसमें गोल्डन और पिंक कलर से प्रिंटेड वर्क किया गया, फॉयल प्रिंटेड, आप देख सकते हैं। राउंड नेक मिल जाएगा, टाइप करने के लिए यहाँ डोरी मिल जाएगा फ्रंट में, जिसमें लटकन लगाए हुए हैं। और 3-4 स्लीव्स मिल जाएगी, जिसमें स्लीव्स के हैंड्स में इस टाइप के गोल्डन वर्क किए गए हैं, गोल्डन प्रिंटेड। और फ्रंट में इस टाइप की डिजाइन दी गई है, पूरी कुर्ती में इस टाइप का वर्क किया गया, फ्रंट प्रिंटेड, फॉल प्रिंटेड वर्क किया गया है। नीचे से कुछ इस टाइप का दिखता है, यहाँ पर गोल्डन प्रिंटेड वर्क किया गया है, आप देख सकते हैं। और बैक साइड से भी कुछ इस टाइप का है। पूरे ट्यूनिक में आपको इस टाइप के प्रिंट मिल जाएंगे, इस टाइप का वर्क मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ये रेयन का मटेरियल है, और मेरी साइज एम है। जनरली मैं एस स्मॉल या एक्सेस ट्राई करती हूँ, बस इस बार मैंने थोड़ा लूज मंगाया है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने साइज के अकॉर्डिंग मंगा सकते हैं। 402 रुपीज़ में मैंने मंगाया इसे, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा तीनों कुर्ती, तीनों ट्यूनिक। और इसमें पिंक और नेवी ब्लू भी अवेलेबल था, तो मैं ये इसके तो कोड दे दूँगी आप, और आप जरूर ट्राई करेगा एक बार। और अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप 7 डेज के मीशो पे रिटर्न पॉलिसी भी अवेलेबल है, तो आप 7 डेज के अंदर इस इन प्रोडक्ट को रिटर्न भी कर सकते हैं, इजी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और क्या बोलते हैं, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।